गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी जी, उप मुख्यमंत्री श्रीमान नितिन पटेल जी, गुजरात सरकार के मंत्री श्री कौशिक पटेल जी, अहमदाबाद के मेयर श्रीमती बीजल पटेल और यहाँ उपस्थित सभी भाई और बहनों, अहमदाबाद में व्याख्या बदल भी पड़े हुए हैं। आपको अहमदाबाद क्रांति क्या पहुंचे गए होंगे, बदलाएंगे अहमदाबाद में शॉपिंग मेडल के पड़े रहे वहां अहमदाबाद में शॉपिंग फेस्टिवल विचार आपको आयोजन करव ये बहुत मोटा हिम्मत काम है। कारण के जे शहर में केरी माथी रस काढ़ा पी छोतरा माथी खजे तो बनवा खेल हो शहर ना आटो मोटो बदलाव जूनी बधी कहेवतो व्याख्याओ लोकोयुक्तिओ बधी बदली नाखवी पड़शे हवे, परंतु आ बदलवा जता अहमदाबाद ने सलाम बदलायेला अहमदाबाद ना विजय ने सलाम। घणी वार आ प्रकार नो फेस्टिवल जेमने बहु समजण ना मळे टाइम लगावा जरूर नहीं। तमें घर में एकला जमता हो तो जमना धारा थोड़ा एक, पर पांच हजार घर पर तो कैसे रहे जमा बैठा हो तो वातों वातों में क्या है चार पांच लोग की बजाय दवाई है खबर है ना। सामूहिकता की क्षमता थोड़ी एक तो अधूरो नानक विचारो व्यापारी क्या माल बेचना बैठो हुए फुटपाथ पर दुकान लगाने बैठो हुए कोई नजर ही न करे पर आवा सामूहिकता नो वातावरण हो त्यारे एनो उत्साह हो अने गरीबवा आवे हो ने एने थाय खाली आगे ना लेवाय। तमे घर में एकला जमता हो तो जमवानुं धाराधोरण एक होय, पर पांच पचास भाईबंदो बेसीने जमवा बैठा हो तो वातों वातों में क्या रे चार पांच रोटली वधारे दबाई जाए खबर है ना पड़े। सामूहिकता की एक ताकत हो एकलो अटलो नानकड़ो बिचारो व्यापारी क्या माल वेचवा बैठो हो फूटपाथ पर दुकान लगाई बैठो हो कोई नजर न करे पर आवा सामूहिकता वातावरण हो त्यारे एनो उत्साह वधे अने खरीदवा आवे हो ने एने थाय खाली हाथे ना जवाय भाई कंक तो लेता जाइए। आ सामूहिकता की एक ताकत हो ताकत आ प्रकार फेस्टिवल साथ जोड़ेली हो एक महात्म्य हो मेला आ परंपरा एक प्रकार अर्थव्यवस्था ने गति आप बहु मोटू कारण बनता था। युग बदलाव नवा स्वरूप में आयु परंतु आ प्रयास अभिनंदन ने पात्र है। आज जयरे अहमदाबाद ने आंगणे आ बदलायेला मिजाज साथे आपनी वच्चे आवानुं थयुं छे त्यारे साथियों आम तौर पर बड़ी बिजनेस समिट के साथ इस प्रकार के आयोजन हम विदेश में ही देखते थे। अब वाइब्रेंट गुजरात के साथ ही अहमदाबाद शॉपिंग फेस्टिवल की शुरुआत जैसा मैंने कहा ये सराहनीय पहल है। इस आयोजन के प्रति आपके उत्साह को मैं अनुभव कर सकता हूं। मुझे बताया गया है कि गुजरात के अलग अलग हिस्सों से स्ट्रीट वेंडर से लेकर शॉपिंग मॉल तक के व्यापारी इस फेस्टिवल में शामिल हुए हैं। हस्तशिल्पियों से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक्स और होटल रेस्तरां से जुड़े
कारोबारी अपने उत्पादों का प्रचार प्रसार करने यहां पहुंचे हैं। खादी और दूसरी हस्तकला से जुड़े कारीगरों और शिल्पियों के लिए तो यहां सरस मेला का भी आयोजन किया गया है। जब थोड़ी देर पहले मैं स्टॉल्स में गया था तो गुजराती परंपराओं, गुजराती हस्तशिल्प की बेहतरीन झलक मुझे देखने को मिली। फेस्टिवल में गुजरात के बाहर से आए बहुत से उद्यमी भी हिस्सा ले रहे हैं। कपड़े हो, गहने हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, हमारी पुरातन संस्कृति आधुनिकता का एक अद्भुत समावेश इस फेस्टिवल में नजर आ रहा है। खासतौर पर विरासत मेले से, और मैं सबसे कहूंगा कि विरासत मेले में जरूर जाइए, कम समय है तो भी विरासत मेले में जरूर जाइए। पाटन का पटोला हो, बांधनी साड़ी हो, कच्छ का हैंडीक्राफ्ट हो, मिरर वर्क हो, आदिवासी क्षेत्रों की कलाकृतियों का, बांस से बनी चीजें हो, जूट से बनी चीजें हो, इतना बड़ा जूट का झोला। और यहां मैंने देखा खंभात से पत्थरों से बनी वस्तुएं भी, आदिवासियों के द्वारा बनी वारली पेंटिंग, एक गुजरात की सांस्कृतिक समृद्धि का एक बेहतरीन उदाहरण है। हमारे देश में ऐसी वस्तुओं का इतना व्यापक और विशाल संग्रह है, भंडार है, कि पूरी दुनिया में हम बहुत तेजी के साथ अपनी पहचान को और मजबूत कर सकते हैं। इस तरह के फेस्टिवल निश्चित तौर पर छोटे उद्यमी को बड़ा मार्केट पाने में बहुत मददगार होते हैं। उन्हें ऐसे आयोजनों से एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है। साथियों, देश में व्यापार और कारोबार के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए सरकार नित्य नए प्रयास कर रही है। बीते 4.5 वर्षों में सैकड़ों नियमों को आसान बनाया गया, पुराने कानूनों को समाप्त किया गया और पारदर्शिता को व्यवस्था का हिस्सा बनाया जा रहा है। इन्हीं सबका नतीजा है कि 4 वर्ष पहले जहां हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में 142वें नंबर पर थे, आज 77वीं रैंक पर हम पहुंच चुके हैं। यानी 65 रैंक का रिकॉर्ड जंप, बदलाव। बिजली पानी का कनेक्शन हो, पर्यावरण की क्लियरेंस हो, कंस्ट्रक्शन परमिट हो, ट्रांसपोर्टेशन के नियम हो, करीब करीब हर व्यवस्था पहले की तुलना में बहुत आसान हुई है। गुड्स और सर्विस टैक्स यानी जीएसटी भी देश में एक ईमानदार व्यापार व्यवस्था बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। पहले जो दर्जनों टैक्स लगते थे उनको अब एक में ही समेट दिया गया है। हाल ही में जीएसटी काउंसिल ने एक फैसला लिया कि अब 40 लाख रुपए टर्नओवर तक, और यहां सारे व्यापारी लोग हैं, उनके काम की बात है, 40 लाख रुपए टर्नओवर तक उन सारे व्यापारियों के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है। पहले ये सीमा 20 लाख रुपए की थी। साथियों, जीएसटी की व्यवस्था को और सशक्त और सरल करने के प्रयास लगातार चल रहे हैं। आप जैसे व्यापारियों, ग्राहकों के सुझावों पर और अनुभवों के आधार पर निरंतर सुधार की प्रक्रिया चल रही है। भाइयों और बहनों, छोटे और मझोले उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। भारत जितना एक्सपोर्ट करता है उसमें 40 से 45% का योगदान देश के छोटे और मध्यम वर्ग के उद्यमियों का होता है। आप जैसे उद्यमियों का, उनको और मजबूत करने के लिए सरकार छोटे छोटे उत्पादों के एक्सपोर्ट पर भी बल दे रही है। एक बहुत बड़ा बाजार
भारत के बाहर भी हिंदुस्तान का इंतजार कर रहा है, वो ग्लोबल मार्केट में अपनी जगह बना सके, भारत की बढ़ती साख का फायदा उठा सके। इसके लिए केंद्र सरकार छोटे उद्यमियों की हर संभव मदद कर रहा है। सरकार ने 2-2.5 महीने पहले ही निर्णय लिया है कि जीएसटी पंजीकृत हर एमएसएमई को 1 करोड़ रुपए तक के नए कर्ज या इंक्रीमेंटल लोन की रकम पर ब्याज में 2% की छूट दी जाएगी। विशेषकर अपने एक्सपोर्टर भाइयों बहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने निर्यातकों को प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट की अवधि में जो लोन मिलता है उसकी ब्याज की दर में छूट को 3% से बढ़ाकर 5% कर दिया है। इसके अलावा इस साल की शुरुआत में भी सरकार ने छोटे उद्योगों से जुड़े एक और अहम फैसला लिया है। इस फैसले से टेक्सटाइल, लेदर, हैंडीक्राफ्ट, मशीनरी से जुड़े छोटे उद्यमियों को बहुत लाभ होगा। साथियों, प्री और पोस्ट शिपमेंट रुपए क्रेडिट में जो ब्याज की राहत दी जाती थी उसका लाभ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े उद्यमों को ही मिलता था। बहुत दिनों से मांग हो रही थी कि इसमें मर्चेंट एक्सपोर्टर्स उनको भी जोड़ा जाए जिनकी एमएसएमई सेक्टर में बड़ी भूमिका है। 2 हफ्ता पहले सरकार ने ये मांग मान ली है और इसका बहुत बड़ा फायदा एक्सपोर्ट से जुड़े छोटे छोटे कारोबारियों को होने जा रहा है। एक अनुमान के मुताबिक करीब करीब 600 करोड़ रुपए का लाभ ये एक्सपोर्ट करने वाले छोटे कारोबारियों को मिलेगा। सरकार द्वारा छोटे और मध्यम उद्योगों को नया मार्केट मिले, कैश फ्लो में दिक्कत ना आए, कैश पैसा कहीं फंसे ना, इसके लिए तमाम नई व्यवस्था भी शुरू की गई है। साथियों, सरकार ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जेम यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस भी बनाया गया है। इस प्लेटफॉर्म की विशेषता यह है कि केंद्र सरकार के हर विभाग में अधिकतर खरीदारी इसी जेम पोर्टल से होती है। सरकार ने यह भी नियम बनाया है कि करीब 25% खरीदारी छोटे और लघु उद्योगों से ही की जाए। इसका लाभ ये हुआ है कि अब देश के दूर सुदूर के गांव में रहने वाला कोई छोटा उद्यमी भी, कोई गृहिणी भी अपने उत्पाद सीधे सरकार को बेच सकता है, जिसका परिणाम है कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अब तक लगभग 16,500 करोड़ रुपए का कारोबार हो चुका है। 16,500, ये रकम छोटी नहीं है और इतने कम समय में हुआ है। साथियों, सरकार का प्रयास है कि छोटे उद्यमियों के लिए प्रक्रियाओं को जितना आसान किया जा सकता है उतना किया जाए। हम उस व्यवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं जब जीएसटी और जो दूसरे रिटर्न है उन्हीं के आधार पर बैंक छोटे उद्यमियों को ऋण की सुविधा दें। छोटे उद्यमियों को बैंकों के चक्कर ना लगाने पड़े, इसी सोच के साथ सरकार ने एक पोर्टल शुरू किया है जिसके माध्यम से उद्यमियों को
सिर्फ 59 मिनट में 1 करोड़ रुपए तक के ऋण की सैद्धांतिक मंजूरी मिल रही है। 1 घंटा भी नहीं, 59 मिनट में। साथियों, हैंडलूम, पावरलूम, हैंडीक्राफ्ट, इससे जुड़े लाखों परिवारों के कौशल का प्रचार भी हो रहा है, उसका प्रसार भी हो रहा है। इसके लिए सरकार ने अनेक योजनाएं लागू की है। देश भर में हाट मेलों की व्यवस्था तो की जा रही है, प्रदर्शनियों के लिए विश्व स्तर के भी सेंटर बनाए जा रहे हैं। जैसा मैंने पहले कहा, इस तरह के आयोजन उन्हें एक बड़ा मार्केट तलाशने, उनका एक्सपोर्ट बढ़ाने में उससे मदद मिलती है। भाई और बहनों, एक और विरासत है जिसका गुजरात सहित पूरे देश से एक भावात्मक लगाव है। ये विरासत बापू के सत्याग्रह से भी जुड़ी है और स्वतंत्रता आंदोलन के लिए किए गए त्याग और तप और बलिदान से भी। ये विरासत खादी की है, जिसका स्मरण मात्र ही मैं स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ देता है। इसलिए हमारी सरकार ने खादी को फिर से शिखर पर ले जाने का बीड़ा उठाया और आज सरकार की नीतियों का ही नतीजा है कि खादी देश के साथ साथ विदेश के फैशन का भी हिस्सा बन चुका है। आज देश में खादी की अभूतपूर्व बिक्री हो रही है। साथियों, सरकार पूरी निष्ठा के साथ आप सभी की आकांक्षाओं को साकार करने में जुटी है। टूरिज्म हो, मैन्युफैक्चरिंग हो या हमारा सर्विस सेक्टर, रोजगार के करोड़ों अवसर बीते 4.5 वर्ष में बने हैं। मेक इन इंडिया आज ग्लोबल ब्रांड बन चुका है। भाइयों और बहनों, देशवासियों के विश्वास के कारण विकास की गति अब रुकने वाली नहीं है। जवान हो, किसान हो या फिर नौजवान, हर किसी के सपनों का नया भारत सामने है। हमें हर नकारात्मकता से बचते हुए सकारात्मकता और ईमानदार प्रयास करने की जरूरत भर है और इसलिए उन दिशा में जब हम आगे बढ़ रहे हैं, तब मैं सभी व्यापारी साथियों को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। आज मैं दोपहर को आया, ये मेरा चौथा कार्यक्रम है। गांधीनगर में एक इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का उद्घाटन किया गया। अब अहमदाबाद का गौरव, गुजरात का गौरव, ऐसा सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल, आधुनिक अस्पताल, बेहतरीन अस्पताल, ये लोकार्पण करने का अवसर मिला। और इसी साबरमती के नदी के तट पर बैठ करके एक बालक जो पढ़ाई किया करता था और जिसने साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में देश का नाम रोशन कर दिया, स्पेस की दुनिया में भारत की जगह बन गई, ऐसे इसी धरती के संतान, इस शहर का गौरव, देश की शान, डॉक्टर विक्रम साराभाई की प्रतिमा का भी मुझे लोकार्पण करने का अवसर मिला। ये वर्ष डॉक्टर विक्रम साराभाई की जन्मशती का वर्ष है और डॉक्टर विक्रम साराभाई की जन्मशती का वर्ष हमारे गुजरात के बालकों में विज्ञान के प्रति आकर्षण पैदा करे, साइंटिफिक टेम्परामेंट की तरफ हम लोगों को ले जाएं। मैं समझता हूं ये उनको बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होगी। और मैंने देखा, वाकई ऐसा लगता है कि विक्रम साराभाई खुद वहां बैठ करके अपना अध्ययन कार्य कर रहे हैं। कला की दृष्टि से भी उत्तम जगह
इस रिवर फ्रंट की शान को बढ़ा रही है। मेरे लिए खुशी की बात थी कि आज वहां मुझे उसका उद्घाटन करने का अवसर मिला। आज जब ये शॉपिंग फेस्टिवल का प्रारंभ हो रहा है तो मैं गुजरात सरकार को, अहमदाबाद को और हमारे शैलेश भाई पटवारी जैसे मित्रों से आग्रह करूंगा कि इसको हर वर्ष का एक निश्चित कार्यक्रम बनाया जा सकता है क्या, और उसी समय हर वर्ष हो। लेकिन इसके साथ आपने देखा होगा दुनिया में कई जगह पे इस प्रकार के शॉपिंग फेस्टिवल बहुत पॉपुलर हुए हैं। जिन लोगों ने न्यूयॉर्क का ये शॉपिंग फेस्टिवल देखा होगा उसके साथ एक इवेंट जुड़ा हुआ है और उसको कहते हैं मैसेज डे परेड। ये बहुत पॉपुलर है, सारे व्यापारी भी अपनी अपनी चीजों को इस प्रकार के कलाकारों के माध्यम से इसको आगे बढ़ाते हैं। ये मैसेज की जो परेड होती है दुनिया के लोग उसे देखने के लिए आप आ जाते हैं। क्या हम भी एक निश्चित तारीख तय करके हमारे सारे उत्पादों का, चाहे गांव का गरीब छोटा सा एक शिल्पकार बनाता होता तो भी उसको प्रतिष्ठा मिले और मैसेज परेड में सब लोग जुटे, एक बहुत बड़ा फेस्टिवल के रूप में पॉपुलर हो जाए और दूसरे दिन फेस्टिवल की शुरुआत हो जाए। मैं समझता हूं कि इस काम को करने की दिशा में शैलेश भाई और उनकी टीम काम पे लगे, काफी यंग नौजवानों ने बड़े उत्साह से इसको आयोजित किया है। मुझे विश्वास है कि इसको और आगे बढ़ाएंगे। और मेरा दूसरा आग्रह रहेगा, देखिए एक जमाना था गुजरात की छवि क्या थी, हमारी पहचान एक सामान्य ट्रेडर की थी। ट्रेडर भी कैसा, एक जगह से माल लेना दूसरी जगह पे बेचना और बीच में से जो अपनी मेहनत का दलाली का मिला उतने लेना, उसी को वो अपना कारोबार चलाता था। वहां से धीरे 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 आज गुजरात मैन्युफैक्चरिंग स्टेट बन गया। ट्रेडर स्टेट से मैन्युफैक्चरिंग स्टेट बनना अपने आप में गुजरात की एक बहुत बड़ी लंबी सफल यात्रा का नतीजा है। और इसलिए इस ताकत को समझते हुए गुजरात अपने आप में एक प्रकार से ग्लोबल कम्युनिटी है, गुजरात के लोगों को ग्लोबल एक्सपोजर है। हर तहसील में, जिले में, नजदीक के गांवों में कोई न कोई परिवार विदेश में गया हुआ है, रहता है, उसको दुनिया की जानकारियां रहती है। गुजरात का व्यापारी 200-400 साल पहले छोटे छोटे नाम लेकर के दुनिया में अपना माल बेचने की ताकत रखता था। मैं एक बार अस्ताखान गया, रशिया में एक जगह है, एक स्टेट है, मैंने वहां देखा कि जो अच्छे से अच्छी दुकान है, बहुत अच्छा मॉल है, तो उसका नाम बड़े आग्रह से ओखा रखा जाता है। हमारा द्वारिका के पास जो ओखा है वो क्यों, 400 साल पहले हमारे लोग व्यापार करने के लिए वहां जाते थे और वहां जो माल बड़ा गौरव से बिकता था तो माना जाता ओखा से आया है। आज भी पीढ़ियां चली गई लेकिन ओखा ब्रांड लग गया तो माल बिल्कुल को अच्छा, ये हम लोगों की परंपरा है। मैं मानता हूं कि अब गुजराती और गुजरात की धरती पर काम करने वाले हर लोग विश्व व्यापार में अपनी जगह बनानी चाहिए। हमारा एक्सपोर्ट कैसे बढ़े टारगेट करें, और ये छोटी छोटी चीजों की बाजार में ताकत बहुत बड़ी होती है। छोटे छोटे पुर्जे, छोटे छोटे हैंडीक्राफ्ट, इसके लिए बहुत बड़ा मार्केट होता है। अगर इसका फायदा हम उठा लेते हैं तो गुजरात के लिए एक नया अवसर पैदा होगा। और हमारे पास नेचुरल लिंक्स है, फियर ऑफ अननोन जिसको कहते हैं वो गुजरातियों के लिए नहीं है, कहीं पर भी कहीं ना कोई न कोई परिचित है। हम कोशिश करें, सामूहिकता का प्रयास करें, इंसेंटिव का लाभ उठाएं और दुनिया के बाजार में हम अपना डंका बजाएं। इसी एक अपेक्षा के साथ मैं फिर एक बार आज अहमदाबाद, बदला हुआ अहमदाबाद, इस काम को किया है। मैं ग्राहकों को इस शॉपिंग के अंदर सबसे ज्यादा फायदा उठाने के लिए आग्रह करूंगा
और अहमदाबादी मुझे पक्का विश्वास है इसका फायदा उठाएगा। डिस्काउंट की खबर अपने आप में बहुत बड़ी होती है और उसमें भी लॉटरी का नंबर फिर तो डबल बोनांजा जैसा हो जाता है। तो मैं अहमदाबादियों को और गुजरात के लोगों को और इस समय विदेशों से आए हुए मेहमानों को भी इस अवसर का बहुत फायदा उठाने के लिए आग्रह करता हूं। फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी ऊर्जात्मक उपस्थिति एवं प्रेरणादायी प्रवचन के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री। हम आपके